एंड एक्शन. सूरज गिरे, चांद गिरे, सब हो गया. बस अब उन तेरी नजरों से ना गिरे, इतनी परवाह. आप कौन सी लड़की की नजरों में गिर गया तू? अभी नहीं बताऊं, क्या कि अभी बात बनी. वैसे तो सच्चे दिल से मांगी जाए ना दुआ तो जरूर कबूल होती है. लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं होता. क्या है कि लड़कियों में और खुदा में थोड़ा फर्क है. कभी दुआ कबूल होती है, कभी रिजेक्ट. पर वैसे भी ये सब बातें मुझे नहीं पता होगा, फिर तो शादी हो चुकी है ना. चल दोस्त, मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ. और सुन, अपनी तस्नीम आप आके सामने ना, ये सब रोना रोना मत. चल बाय. सरफराज, अगर किसी को दोस्त मिले तो सरफराज जैसे. हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते तो अक्सर हम दोनों के बीच में लड़ाई भी होती, लेकिन अपन इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते. ये अपन के भाई जैसे. अरे भाई जैसा क्या, भाई है. कितनी बार इसने अपन की जान बचाई, एक बार तो अपन की जान बचाते बचाते मारी गए थे. 10 दिन तक इसने आंखें नहीं खोली और 10 दिन तक तस्वीर वापस इसके बेड के बाजू से हटी नहीं. अगर इसका एक पंच किसी को लग जाए ना तो मानो सब आदमी 4 दिन तक उठ नहीं पाए. परसों ही हमारे डीसीपी मिस्टर चड्डा ने हमको बुला के खूब सुनाया. हम दोनों स्पेशल यूनिट के कॉप्स हैं. कॉप्स मतलब सबसे पहले डीसीपी. कुछ भी हो जाए, वंस अ कॉप ऑलवेज. हम जब तक मुजरिम को लेटा नहीं देते, आई मीन जब तक हम मुजरिम को ऊपर नहीं भेजते या फिर अंदर नहीं भेजते, हम उसे छोड़ देते. किसी भी साहब हमसे कहने लगेंगे, मुजरिम को हद बताओ, जब भी तुम दोनों किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए भेजते हैं उसकी लाश ही क्यों मिलती है. मैंने कहा सर ऐसा हर बार नहीं आता सर, क्या है कि इस बार अगर ऐसा भी करते तो मुजरिम हाथ से निकल के भाग जाता है. सर हम तो डिपार्टमेंट का रूल फॉलो कर रहे थे ना सर, और डिपार्टमेंट का रूल कहता है सर कुछ भी हो जाए मुजरिम हाथ से भाग कर निकलना नहीं चाहिए. तो जी हाथ से भाग कर निकलना नहीं चाहिए ये तो ठीक है, पर कभी तो जिंदा ले आओ, कभी मुर्दा ले आते और कभी उसके हाथ के पैर तोड़ के है. तो मैंने कहा सर हैं